हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज इस वीडियो में हम एक नया डिश देखेंगे जिसका नाम फूड कस्टर्ड। आइए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। फूड कस्टर्ड बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए आइए देखते हैं। पहले हम 600 ग्राम दूध ले लिया, दो ठो एप्पल, एक अनार और थोड़ी सी ब्लैक ग्रेप्स, कस्टर्ड पाउडर, हम वैनिला एसेंस ले लिया, उसके बाद हम 150 ग्राम शुगर ले लिया और उसके बाद हम एक बाउल में 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, तो देखिए हम फूड कस्टर्ड बनाने के लिए इतना सारा सामान यूज करते हैं। तो देखिए हम गैस ऑन किया, उसके बाद हम एक सस्पेंड बैठा के दूध को बॉईल करेंगे। देखिए दूध को हम थोड़ा स्लो फ्लेम में गैस को ऑन करके रखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा फ्रूट्स कटिंग करेंगे। तो देखिए दूध बॉईल हो गया, उसमें थोड़ा शुगर ऐड करेंगे हम। देखिए अभी फ्रूट्स कटिंग हो गया, उसके बाद हमें जो कस्टर्ड पाउडर रखे थे उसमें थोड़ा दूध मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा अच्छे से घोल देंगे। देखिए थोड़ा अच्छा से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम उसमें थोड़ा वैनिला एसेंस डालेंगे तो थोड़ा अच्छा से वैनिला फ्लेवर आएगा कस्टर्ड। देखिए हमें जो कस्टर्ड अच्छा से मिक्स करने के बाद हम दूध बॉईल करके रखे थे उसमें कस्टर्ड को डालने के बाद उसको अच्छा से ऑयल मिक्स करेंगे। ऑयल मिक्स के होने के बाद उसको कस्टर्ड रेडी हो जाएगा कि मैं उसको दूध में अच्छा से मिक्स कर रहा हूँ। वो अच्छा से मिक्स होने के बाद कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। कितना स्मूथली अच्छा से मिक्स करेगा तो वो पूरा ठीक से रेडी हो जाएगा आराम से। देखिए अभी वो कस्टर्ड अच्छा से कुक होकर रेडी हो गया, उसके बाद हम जो मोल्ड में फ्रूट्स कटिंग करके रखे थे और कस्टर्ड को उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसको हम थोड़ा 20 मिनट फ्रीजिंग करेंगे। कस्टर्ड को हम 20 मिनट फ्रीजिंग करने के बाद वो कैसे जेली की तरह हो गया और उसके बाद हम थोड़ा फ्रूट्स पहले से रेडी करके रखा हूँ उसका ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आज इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद,
जय भारत।